नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के रिजल्ट के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है इन्वेस्टर्स के साथ, उसके बारे में मैनेजमेंट ने जो बताया है इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स की जो भी मतलब डाउट्स थे क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड, तो उनका जो आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट ने जो रिप्लाई दिया है और भविष्य की जो अपने उन्होंने अर्निंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। देखिए दोस्तों, आईआरसीटीसी कंपनी का जो बिजनेस है वो पांच सेगमेंट में होता है। एक तो इनका जो मेन बिजनेस है वो टिकटिंग का है, इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस है पहला। दूसरा है इनका बिजनेस कैटरिंग का, जो ट्रेन में जो हमें पेंट्री कार के थ्रू खाना दिया जाता है वो बिजनेस, कैटरिंग बिजनेस। तीसरा है रेल नीर का बिजनेस, जो हमें पैक्ड वाटर जो कि रेल नीर के नाम से मिलता है वो है इनका बिजनेस तीसरा। चौथा है टूरिज्म का, ये जो टूरिज्म से रिलेटेड जो ट्रेन्स चलती हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं महाराजा ट्रेन्स वगैरह जो है प्रीमियम ट्रेनें हैं ये, और कुछ ये जो इन्होंने एक पैकेज भी टूरिज्म से रिलेटेड ये बना रखा है, तो वो भी एक इनका बिजनेस। और एक स्टेट तीर्थ नाम से भी ये इनका एक बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें ये तीर्थ यात्रा वाले जो स्थान है वो तीन चार स्थानों को जोड़ के इन्होंने एक पूरा पैकेज बनाया हुआ है, जो सीनियर सिटीजन्स को या कोई भी उसमें जा सकता है, लेकिन स्पेशल सीनियर सिटीजन्स को स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार स्पॉन्सर करती है, तो ये एक ये भी इनका बिजनेस सेगमेंट है। तो एक एक करके इस बिजनेस सेगमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे और इन्वेस्टर्स कॉल में क्या बातचीत हुई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा रिजल्ट आया 30 मई को, ये 30 मई को जब रिजल्ट आया तो इसमें इनके जो रिजल्ट आए हैं सेगमेंट वाइज वो कुछ अच्छे आए हैं और कुछ इतने अच्छे नहीं आए हैं। तो इसके बारे में जो आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट है उनसे कुछ म्यूचुअल फंड जिन्होंने आईआरसीटीसी के बिजनेस में अपना पैसा लगाया है उन्होंने इसके बारे में मैनेजमेंट से पूछताछ की। अब देख सकते हैं कि जैसे ये कल की ही बात है, कल नहीं आज की ही बात है, आज एक जो इन्वेस्टर्स कॉल हुआ था इसमें जैसे कि एजिज लाइफ, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, मोतीलाल म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ, सूर्यांश एडवाइजर, यूटीआई म्यूचुअल फंड, इन सभी एक कंपनियों के जो प्रतिनिधि उन्होंने भाग लिया और ये आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट से कंपनी के अर्निंग्स पर चर्चा की। अब कंपनी के अर्निंग्स पे चर्चा की तो उन्होंने जो सेगमेंट वाइज जो पांचों सेगमेंट में जो कंपनी का अर्निंग्स है उनके बारे में विस्तार से चर्चा किया। तो सबसे पहले उन्होंने इंटरनेट टिकटिंग के बारे में बात की और उन्होंने पूछा कि देखिए, पिछले क्वार्टर में तो कंपनी का जो अर्निंग्स था वो 31,286 लाख रुपए का था और इस क्वार्टर में 29,282 लाख का हुआ, तो ये कम क्यों हुआ? तो इसके मैनेजमेंट ने बताया आईआरसीटीसी के कि देखिए, इसमें क्या हुआ कि काफी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं इस क्वार्टर में, तो ट्रेन कैंसिल हुए तो पैसे रिफंड करने पड़े, पैसे रिफंड करने की वजह से ये जो इंटरनेट टिकटिंग से हमें जो अर्निंग्स होती है वो इस क्वार्टर में कम देखने को मिला। काफी ट्रेनें रेलवे ने कैंसिल की है तो इसकी वजह से यहाँ कम देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही इन्होंने अश्योरेंस भी दिया कि आप Q1 और Q2 के जो हमारे रिजल्ट आएंगे उसमें आप नोट कीजिएगा कि हमारे इंटरनेट टिकटिंग से सबसे ज्यादा कमाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा Q1 में और Q2 में भी ये फेस्टिव सीजन कंटिन्यू रहेगा, तो उससे हमारे टिकट बुकिंग से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आएगा। और आपको पता है जैसे कि 120 दिन तक रेलवे एडवांस में टिकट बुकिंग करती है,
तो अभी जैसे जून का महीना चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक के टिकट बुकिंग रेलवे की चल रही है। सितंबर महीने तक की ये अभी एडवांस में टिकट बुक कर रहे हैं। तो जो बुकिंग हो रही है उसके आधार पे IRCTC के मैनेजमेंट ने अश्योरेंस दिया है कि हमारे जो Q1 और Q2 के रिजल्ट आएंगे उसमें आपको इंटरनेट टिकटिंग से बहुत ज्यादा अर्निंग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फेस्टिव सीजन में ट्रेनों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो इसके लिए इन्होंने अपनी प्लानिंग भी करके रखी है एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाने की। तो एक्स्ट्रा ट्रेन्स जब चलेंगी तो इससे भी रेलवे के साथ साथ IRCTC को भी कमीशन मिलेगा और इनकी अर्निंग्स बढ़ेगी। तो ये इनका मैनेजमेंट का कहना था इंटरनेट टिकटिंग के सेगमेंट में। और दूसरी बात है कैटरिंग का। तो कैटरिंग में देखिए पिछले क्वार्टर में 10,456 करोड़ का फायदा हुआ था कैटरिंग बिजनेस से। तो कैटरिंग बिजनेस में जब इनको फायदा हुआ था, देखिए कितना हुआ था, 10,465 करोड़, माफ कीजिएगा, 10,465 करोड़ से ये बढ़कर 26,619 लाख रुपया हो गया। तो यहाँ से लगभग 2.5 गुना हमें जंप देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा, इसको यहाँ पे ग्रोथ बोल सकते हैं। तो अब इसके साथ ही मैनेजमेंट ने एक और बात कही कि देखिए टिकटिंग बिजनेस में हमें इतना टिकट कैंसिल करने के बाद भी हमें 2.5 गुना कैटरिंग बिजनेस से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो जिस दिन हमारा टिकट बिजनेस से अच्छा आमदनी होने लगेगा, अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, तो उस समय जो कैटरिंग बिजनेस है उससे कितना हमें इनकम मिलेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको Q1 और Q2 के रिजल्ट के साथ हमें बहुत अच्छा कैटरिंग बिजनेस से भी इनकम देखने को मिलेगा, जो अभी आपको एक क्वार्टर में 2.5 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये मल्टी फोल्ड आपको ये रेवेन्यू जनरेट करता हुआ हमें ये सेगमेंट आपको दिखेगा। तीसरा है बिजनेस रेल नीर का। देखिए रेल नीर में जो ग्रोथ है वो पिछले क्वार्टर में जहां 4,994 लाख रुपए का था, वो अभी बढ़कर केवल 5,188 लाख रुपया हुआ है। तो इसमें हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स ने कहा भी है कि आप इसके ग्रोथ पर और इनके जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर आप काम कीजिए। तो इन्होंने भी अपना कुछ प्लान रखा है इन्वेस्टर्स के सामने, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने Q1 और Q2 के रिजल्ट आने तक इंतजार करने को कहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बिजनेस है वो है टूरिज्म का। अब टूरिज्म से आप देख सकते हैं कि जो पिछले क्वार्टर में 6,825 करोड़ लाख रुपए का इनकम हुआ था, वो अभी घटकर 5,424 लाख रुपए का होगा। तो इन्होंने अपना सफाई ये दिया कि देखिए कुछ ट्रेनें अभी, कुछ लोग जो हैं कि कोरोना की वजह से कम ट्रेनों के द्वारा वो जो भीड़ भाड़ वाले जो साधन है उनसे कम यात्रा करना पसंद कर रहे हैं। टूरिज्म के लिए ये अपनी पर्सनल गाड़ियां या ऐसे साधनों का उपयोग करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक फैमिली के लोग हों और वो सफर कर पाए। तो ये भीड़ भाड़ वाली जगह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे वैक्सीनेशन का हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है और लोग वैक्सीनेटेड होते जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि Q1 और Q2 में ये रेलवे से जो इनका टूरिज्म का बिजनेस है वो काफी बढ़ेगा और अच्छे फेस्टिव सीजन में लोग घूमने को भी निकलेंगे। तो इससे IRCTC मैनेजमेंट उम्मीद कर रहा है कि हमें Q1 और Q2 में अच्छे अर्निंग्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद इनका एक लास्ट सेगमेंट है वो है स्टेट तीर्थ। स्टेट तीर्थ का जो इनका जो बिजनेस है उसमें क्या होता है कि ये अपने जो कंट्री के जो सीनियर सिटीजन से उनको जो तीर्थ यात्रा के लिए, अपने जो चार धाम की यात्रा है, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है या कोई भी पिलग्रिमेज कह सकते हैं कि जो भी तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा करने के लिए इन्होंने एक प्लान बना रखा है, जिससे एक ये कंप्लीट टूर पैकेज देते हैं
और इससे भी इनको IRCTC को अच्छी आमदनी होती है। और साथ ही इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने सीनियर सिटीजन्स को स्पॉन्सर करते हैं और उनको कुछ जो गरीब लोग हैं जो कि ये तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते उनको स्पॉन्सर करती है और उनको अपने सरकारी खर्चे पर यात्रा करने के लिए भेजती है, तीर्थ करने के लिए भेजती है। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट और IRCTC का जो MOU साइन हुआ है उससे भी IRCTC को इनकम होता है। तो इसमें भी इन्होंने उम्मीद जताया है IRCTC के मैनेजमेंट ने कि अगले 1-2 क्वार्टर में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये इनका पूरा बिजनेस है और मैनेजमेंट ने अपना जो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग है वो उनसे इन्वेस्टर्स को अवगत कराया है। अब देखिए, रेलवे का जो IRCTC का जो बिजनेस है वो बिल्कुल मोनोपोली बिजनेस है। देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में IRCTC के अलावा कोई भी कंपनी नहीं है। और कंपनी का जो IRCTC का जो आप कह सकते हैं कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 55,000 करोड़ का है, यानी लार्ज कैप कंपनी है। और लार्ज कैप कंपनी है और इसके जब हम अर्निंग्स की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि अर्निंग्स ये कंपनी के जो हैं साल दर साल बढ़ रहे हैं। 2015 से 2022 तक आप देख सकते हैं कि हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन 2020 में जो ये बढ़ने का रफ्तार जो है, 2020 के बाद जो कोरोना आया उसके बाद ये बिल्कुल ही डाउन हो गया। 2021 में देख सकते हैं केवल 783 करोड़ रुपए का सेल्स हुआ है, इनका सेल्स से इनका आय हुआ। तो उसके बाद फिर अभी 2022 में ये 1,879 करोड़ का हुआ है, लेकिन फिर भी अभी 2020 के जो हाई है उससे ये नीचे ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनी पटरी पर आते हुए हमें दिख रहा है इनका सेल्स का। और प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, 2015 में जहाँ 131 करोड़ था वो बढ़ के 664 करोड़ हो गया। कोरोना के दौरान ये 513 करोड़ तक पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी तो इनके अब लाइन पर आ गया, लेकिन जो ये सेल्स का जो इनका आंकड़ा है वो अभी शायद हमें अगले फाइनेंशियल ईयर से देखने को ट्रैक पर मिले। तो ये कंपनी का ये सारा प्लानिंग था जो मैनेजमेंट ने अपने इन्वेस्टर्स के सामने रखा है। और शेयर प्राइस की बात करें तो देखिए, शेयर प्राइस भी कंपनी का अभी पिछले 1 साल से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 1 साल में तो आपको 78% का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में आपको काफी गिरावट देखने को मिलेगा। ये अपने प्राइस से काफी गिर चुके हैं। तो कहने का मतलब है, आप इसके शेयर्स पे और मैनेजमेंट ने जो हमें Q1 और Q2 में जो रिजल्ट आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि आप इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अपना नजरिया 3 से 6 महीने भी रखते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, जैसा कि मैनेजमेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को बताया है। कंपनी का टेक्निकल चार्ट पे हम बात कर ले एक बार, तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे भी ये जो कंपनी का शेयर प्राइस है हमें अपने जो लाइफ टाइम हाई है वहां से लगभग 45-46% गिरता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, जब अगर मान लीजिए ये जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन दिया इन्वेस्टर्स को, अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच करती है 3 से 6 महीने में, तो हमें 45% तक का प्रॉफिट मिलने की संभावना है। तो ये अगर ये प्रॉफिट हमें साल भर में भी मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न, हम इसको बोलेंगे 50% का रिटर्न। 1 साल में खराब नहीं होता कहीं से भी, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो आप इस प्राइस पे कंपनी के मैनेजमेंट पे अगर विश्वास करते हैं तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपना भी थोड़ा होमवर्क कीजिए और जिस जैसे आपको अच्छा लगता है कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने जैसा इन्फॉर्मेशन दिया है उसको आप पढ़ के टैली कर सकते हैं। अपना होमवर्क कीजिए और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में इस स्तर पर सोच सकते हैं, मेरा ये सुझाव है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।